अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं पोप्लीटियल आर्टरी। पोप्लीटियल आर्टरी का हम लोग इसमें देखेंगे बिगनिंग कोर्स टर्मिनेशन रिलेशंस एंड इसकी ब्रांचेस ठीक है सबसे पहले देखेंगे बिगनिंग कि हमारे पास जो पोप्लीटियल आर्टरी है वो कहाँ से बिगिन होती है बेसिकली पोप्लीटियल आर्टरी इज़ दी कॉन्टीएशन ऑफ फिमोरल आर्टरी जो हमारे पास फिमोरल आर्टरी है उसकी जो नेक्स्ट कॉन्टीन्यूशन होती है वो होती है हमारे पास फिमोरल आर्टरी अब हम देखेंगे कि उस आर्टरी का नेम मीन जो फिमोरल आर्टरी डिसेंड डाउन हो रही है किस पॉइंट पे आके वो हमारे पास पोपलीटियल आर्ट्री बन जाती है मीन उसका नेम चेंज हो जाता है सो so, वो पॉइंट होगा हमारे पास पोपलीटियल आर्ट्री का बिगनिंग का पॉइंट वो देख लेते हैं इट बिगनस एट दी ओपनिंग ऑफ अडकटर मैगनस मीन जो अडक्टर मैगनस मसल है उसके जो टेंडन की ओपनिंग होती है इस तरह से ठीक है इस पॉइंट पे यहाँ पे अडक्टर मैगनस की ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं अडक्टर हाइटस हाइटस मैग्नस और दी अडक्टर मैगनस ठीक है सो so, उस ओपनिंग पे आके इस पॉइंट पे आके इसकी बिगनिंग हो जाती है दैट इज एट जंक्शन ऑफ मिडल वन थर्ड एंड दी लोअर वन थर्ड ऑफ थाई थाई का जहाँ पे मिडल वन थर्ड और लोअर लोअर वन थर्ड का जंक्शन होता है वहाँ पर हमारे पास क्या होती है हाइटस मैग्नस और ये डक्टर मैगनस की ओपनिंग होती है जहाँ से हमारे पास क्या होता है पोपलीट फिमोरल आर्टरी पास करती है और देन क्या बन जाती है पोपलीटियल आर्टरी ठीक है मीन इस तरह से पीछे से आर्टरी आती है और इस हाइटस के अंदर से पास करती है यहाँ से और क्या बन जाती है पोपलीटियल आर्टरी नेक्स्ट इसका देख लेते हैं कोर्स इट रनस डाउनवर्ड एंड स्लाइटली लेटरली क्या करती है कि ये डाउनवर्ड तो आती है बट थोड़ा सा लेटरल हो जाती है ये हमारे पास है मीडियल साइड ठीक है ये मीडियल साइड है ये है फिब्यूला सो so ये लेटरल साइड है टीबिया हमारे पास मीडियल साइड पे होती है फिब्यूला लेटल साइड पे होती है और ये ऊपर क्या है हमारे पास फीमर ठीक है फीमर का लोअर एंड सो so ये फिब्यूला है दिस इज ई लेटल साइड तो आप यहाँ से देखें तो आर्टरी क्या कर रही है दिस इज पोपलीटियल आरटी पोपलीटियल डिसेंड डाउन एंड देन टर्न स्लाइटली लेटर एंड पास फ्रॉम इंटर कॉन्डाइलर नोच टू रीच दी लोअर बॉर्डर ऑफ पोपलीटियस यहाँ पर क्या है दो कंडाइल है लेटल और मीडियल कंडाइल फीमर के और उन दोनों कंडाइल्स के दरम्यान क्या है एक नोच है दिस इज़ ए इंटरकॉन्ड आयलर नोच और इस नोच के दरम्यान से पास करती है टू रीच दी लोअर बॉर्डर ऑफ पोपलीटियस पोपलीटियस मसल के लोअर बॉर्डर तक पहुँच जाती है ठीक है ये हमारे पास इतना कोर्स और यहाँ पर क्या होता है हमारे पास डायमंड शेप डिप्रेशन होता है बिहाइंड द नी जॉइंट जिसको हम बोलते हैं पोपलीटियल फोसा सो उस पोपलीटियल फोसा का ये हमारे पास डीपर स्ट्रक्चर होता है मीन सबसे नीचे मीन डीपली ये पोपलीटियल आर्टी प्रेजेंट होती है उसके कॉन्टेंट्स में आती है ठीक है पोपलीटियल आर्टी क्या है डीप कॉन्टेंट है किसका पोपलीटियल फोसा का नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी टर्मिनेशन इट टर्मिनेट्स एट दी लोअर बॉर्डर ऑफ पोपलीटियस मीन यहाँ तक आई लोअर बॉर्डर ऑफ पोपलीटियस तक आई देन क्या किया यहीं पर इसने टर्मिनेट कर दिया बाई डिवाइडिंग टू दीरियरियर एंड पोस्टीरियर टीबियल आर्टरीज इस तरह से हमारे पास आई और देन क्या किया यहाँ पर लोअर बॉर्डर ऑफ पोपलीटियस मसल जो है वहाँ पर इसने टर्मिनेट कर दिया बाई डिवाइडिंग इंटू दियर एंडी पोस्टीरियर टीबियल आर्ट्रीज नेक्स्ट हमारे पास इसके रिलेशन रिलेशन में क्या है पोपलीटियल आर्टरी इज डीपेस्ट स्ट्रक्चर इन दी दोप्लीटियल फोसा जैसे हमने पहले बात की कि यहाँ पर क्या होता है एक डायमंड शेप डिप्रेशन होता है बिहाइंड नी ज्वाइंट सो उसका जो डीपेस्ट स्ट्रक्चर है उसका जो कॉन्टेंट है डीपली जो प्रेजेंट है वो क्या है पोपलीटियल आर्टरी ठीक है इसके हम रिलेशन देखेंगे एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल एंड मीडियल एंटीरियर जो है हम इसको डीप भी बोलेंगे क्योंकि आर्टरी के एंटीरियर बिल्कुल जो बोन के साथ है ठीक है सो वो डीप भी है और इंटीरियर भी है सो so, जब आर्टरी के पीछे देखेंगे तो वो सुपरफिशियल भी आ जाएगा और पोस्टीरियर भी आ जाएगा मीन जो स्किन वाली साइड पर होंगे वो पोस्टीरियर भी होंगे और सुपरफिशियल होंगे जो बिल्कुल बोन के साथ मीन आर्टरी के एंटीरियर होंगे वो हमारे पास डीप होंगे ठीक है सो एंटीरियर

दिस इज़ नी ज्वाइंट नेक्स्ट क्या आ गया नी ज्वाइंट आ गया उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास फेशिया कवरिंग दी पोपलीटियस मसल जो पोपलीटियस मसल है उसको जो फेशिया कवर करता है वो इंटीरियर रिलेशन में आता है इतना गया था पोप्लीटियस सर्फेस ऑफ फीमर था इंटीरियर में देन आ गया हमारे पास नी ज्वाइंट और उसके बाद आ गया वो फेशिया जो पोप्लेटियस मसल को कवर करता है नेक्स्ट हम देखेंगे इसके पोस्टीरियर रिलेशन और दी सुपरफिशियल मीनिस आर्टरी के सुपरफिशियल क्या है ये इसके पीछे क्या है वो आती है हमारे पास टीबियल नर्व ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास लेटरल लेटरल रिलेशन में हमारे पास आता है बाइसेप्स फिमोरिस ठीक है मीनिस साइड में क्या, क्या क्या आ रहा है इस आर्टरी के लेटरल वो देखेंगे बाइसेप्स फेमोरिस लेटरल कॉन्डाइलो फीमर इन अपर पार्ट इतने पार्ट में सिर्फ दो चीज़ें आ रही हैं इसके लैटरल आर्टरी के लैटरल क्या है अपर पार्ट में दो चीज़ें हैं बाइसेप्स बाइपमरिस है और लेट्रल ऑफ फीमर है नेक्स्ट है हमारे पास प्लान टेरिस लेटरल हैड ऑफ़ गेस्ट्रोकनीमियस इन लोअर पार्ट इतने पार्ट में क्या आ रहा है हमारे पास लेट्रल हेड ऑफ गेस्ट्रोकनीमियस है और उसके अलावा प्लान मसल है इन द लोअर पार्ट बेसिकली हमारे पास जो गैस्ट्रोकनीमियस मसल है उसके टू हेड्स होते हैं एक लेटरल हेड होता है और एक मीडियल हेड होता है जो लेटरल हेड होता है वो आर्टरी के लेटरल रिलेशन में आएगा जो मीडियल हेड होता है वो आर्टरी के मीडियल रिलेशन में आएगा इन दी लोअर पार्ट ठीक है so, सो लोअर पार्ट में क्या चीज आगी प्लाटेरिस इन द लेटरल हेड ऑफ गेस्ट्रोकनीमियस इन दी लोअर पार्ट ऑफ दोप्लीटियल आर्टरी नेक्स्ट हम देख लेते हैं मीडियल रिलेशन उसमें सबसे पहले आता है सेमी सेमीमैम्ब्रेनोसिस मीन यहां पर क्या होगा सेमी सेमीमैम्ब्रेनोसिस होगा उसके अलावा मीडियल कोंडाइल ऑफ फीमर होगा इन अपर पार्ट अगेन इसके भी हमने रिलेशन जो हैं वो अपर अपर और लोअर पार्ट में कर दिए अपर पार्ट में क्या है हमारे पास सेमी सेमीमेम्रोसिस एंड मीडियल कोंडाइल ऑफ फीमर इतने पार्ट में नेक्स्ट है हमारे पास टीबियल नर्व पोपलीटियल वेन इन दी लोअर पार्ट उसके अलावा क्या है मीडियल हेड ऑफ़ गैस्ट्रोकनीमियस लोअर पार्ट में क्या क्या आ गया हमारे पास तीन चीज़ें आ गई हैं मीडियल मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोकनीमियस आ गया है उसके अलावा टीबियल नर्व है और उसके अलावा हमारे पास क्या है पोप्लीटियल वेन टीबियल नर्व पोप्लीटियल वेन एंड मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोकनीमियस इज मीडियल टू दी पोप्लीटियल आर्टरी इन दी लोअर पार्ट अब हम देखेंगे इसकी ब्रांचेस को इसमें आती है हमारे पास मस्कुलर ब्रांचेस एंडिकुलर वर्ड जो है, वो हमारे पास से joint, है? और दी होंगी. सबसे पहले देखेंगे हम लोग मस्कुलर ब्रांचेस को ये हमारे पास होती हैं लार्ज मस्कुलर ब्रांचेज उसके अलावा हमारे पास होती है लोअर मस्कुलर ब्रांचेस जो हमारे पास लार्ज मस्कुलर ब्रांचेज होती है वो हमारे पास सेवरल इन नंबर होती हैं जो कि सप्लाई करती हैं डॉक्टर को, को, उसके अलावा क्या करती है टर्मिनेट अप्लाई करेंगी दो मसल्स को डॉक्टर मैगनस को और हैमस्ट्रिंग्स मसल्स को और क्या करेंगी टर्मिनेट करेंगी द फोर्थ परफोरेटिंग आर्टरी नेक्स्ट आती है हमारे पास लोअर मस्कुलर और दी सुरल ब्रांचेस सूरल ब्रांचेस ऑफ दी पोप्लीटियल आर्टरी। ये सप्लाई करेंगी गेस्ट्रोकनीमियस को सोलियस को एंड प्लानरिस को मीन जो हमारे पास लोअर मस्कुलर और दी सुरल ब्रांचेज हैं पोप्लीटियल आर्टरी की वो सप्लाई करेंगी तीन मसल्स को और जो लार्ज मस्कुलर मस्कुलर ब्रांचेस हैं वो सप्लाई करेंगी मैगनस को और हेमस्ट्रिंग्स को हेमस्ट्रिंग्स में फर्दर हमारे पास फोर मसल्स आते हैं जो कि हमारे पास फ्लेक्सड कंपार्टमेंट ऑफ थाई के मसल हैं नेक्स्ट है हमारे पास क्यूटेनियस ब्रांचेस जो कि स्किन को सप्लाई करेंगी सो so, इसमें आती है हमारे पास डायरेक्ट एंड दी इनडायरेक्ट ब्रांचेस जो डायरेक्ट ब्रांचेस हैं वो होती हैं हमारे पास फ्रॉम दी पोपलीटियल आर्टरी मीन डायरेक्टली पोपलीटियल आर्टरी से अराइज़ होती हैं बट जो इनडायरेक्ट हैं वो क्या करती हैं फ्रॉम दी मस्कुलर ब्रांचेस मीन ये हमारे पास क्या है यहाँ पर मस्कुलर ब्रांचेस होंगी वहाँ से फर्दर फिर उनकी क्यूटेनियस ब्रांचेस अराइज होंगी वो किस में जाएंगी इनडायरेक्ट ब्रांचेज ऑफ दी इनडायरेक्ट क्यूटेनियस ब्रांचेज होती है पोपलीटियल आर्ट्री नेक्स्ट हम देख लेते हैं जेन्यूकुलर ब्रांचेज को जेन्यूकुलर ब्रांचेज और दी आर्टिकुलर ब्रांचेस ये हमारे पास इस डायग्राम में ज़्यादा अच्छे से शो हो रही हैं सबसे पहले क्या है पोप्लीटियल आर्ट्री अराइज़ कहाँ से हुई हाइएटस मैग्नस से ठीक है हाइएटस मैग्नस से ये स्टार्ट हुई और कहाँ पर बिग एंडिंग हुई इसकी टर्मिनेट एट दी लोअर बॉर्डर ऑफ पोपलीटियस बाई डिवाइडिंग इन टू एंटीरियर टीबियल एंड द पोस्टीरियर टीबियल आर्ट्री अब इसके दरमियान हमारे पास क्या होंगी इसकी जेनिकुलर ब्रांचेस होंगी बेसिकली हमारे पास कितनी होती हैं फाइव इन नंबर होती हैं जेनिकुलर ब्रांचेस जिसमें हमारे पास होती हैं टू सुपीरियर टू इन्फीरियर एंड वन मिडल कौन कौन सी ये दो क्या है हमारे पास सुपीरियर जेनिकुलर है ये दो क्या है इंफीरियर जेनिकुलर और इन दोनों के दरियान सुपीरियर और इन्फीरियर के दरमियान क्या है मिडल जेनिकुलर ठीक है जो फीमर के लेवल पे लोअर एट द लोअर एंड ऑफ फीमर जहाँ पर जो राइज हो रही हैं वो क्या है सुपीरियर जेनिकुलर जो टीबिया के लेवल पे है वो क्या है इन्फीरियर जेनिकुलर और जो सुपीरियर और इन्फीरियर है वो क्या क्या है हमारे पास टू इन नंबर टू क्या है मीन एक मीडियल है और एक लैटल है ये क्या हो गई हमारे पास लेटरल सुपीरियर जेनिकुलर ये होगी मीडियल सुपीरियर जेनिकुलर इसी तरह से इंफीरियर भी हमारे पास टू हैं तो ये क्या होगी लेटरल इंफीरियर जेनिकुलर ये होगी मीडियल इंफीरियर जेनिकुलर और एक ही हमारे पास क्या है वन मिडल जेनिकुलर सबसे पहले देखेंगे मीडियल और सुप सुपीरियर जेनिकुलर को ये क्या करती हैं वाइंड्स राउंड कोरेस्पोंडिंग साइड्स ऑफ फीमर ऑब्वियसली बात है हमने देखा कि ये क्या है ऊपर होती है मीन फीमर के लेवल पे हैं इसीलिए तो सुपीरियर हैं सो ये क्या करती हैं एट दी कोरेस्पोंडिंग साइड ऑफ फीमर ये वाइंड कर जाती हैं इसी तरह हमारे पास क्या है टू इनफीरियर मीडियल एंड लेटरल इंफीरियर जैनिकुलर ये क्या करती अराउंड दी कोरेस्पोंडिंग टीबियल कोंडाइल्स ये टीबिया के कोंडाइल्स के अराउंड जो है वो वाइंड कर जाएंगे मीन मीडियल जो है वो मीडियल कोंडाइल की तरफ चले जाएगी लेटरल जो है वो लैटरल कोंडाइल की तरफ राउंड हो जाएगी वाइंड्स अराउंड दी कुरेस्पोंडिंग टीबियल कोंडाइल नेक्स्ट हम देख लेते हैं वन मिडल दिस इज वन मिडल जैनिकुलर ब्रांच इट सप्लाइज दी क्रूशिएट लिगामेंट एंड दी साइनोवियल मेंब्रेन ऑफ दी नी ज्वाइंट मीन जो नी ज्वाइंट के लिगामेंट है और उसकी जो साइनोवियल मेंब्रेन है उसको सप्लाई करती है मिडल जेनिकुलर मीन ये बिल्कुल जॉइंट के लेवल पे होती है मिडल जेनिकुलर ब्रांच ये सारी की सारी क्या है हमारे पास जेनिकुलर ब्रांच उसके अलावा क्या होती है हमारे पास सेवरल मस्कुलर ब्रांचेज होती हैं जो कि इस डायग्राम में शो नहीं हो रही उसके अलावा मस्कुलर और डायरेक्ट पोपलीटियल आर्टरी से हमारे पास क्या राइज होती हैं क्यूटेनियस ब्रांचेस जो कि स्किन को सप्लाई करती हैं एंडिंग से देख लेते हैं इट टर्मिनेट पोपलीटियल आर्ट्री टर्मीनेट बाई डिडिंग इंटू द पोस्टीरियर टीबियल दिस इज पोस्टीरियर टीबियल एंड दिस इज द इंटीरियर टीबियल आर्ट्री और नेक्स्ट ये क्या है हमारे पास पिरोनियल आर्टरी ये हमारे पास सारी की सारी पोप्लीटियल आर्टरी। इफ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग